सेल पढ़ना है तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले लबिश्री बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था। दूध अच्छे से बॉयल हो गया था, उसके अंदर मैंने डाल दी थी 200 ग्राम चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम डाल दी थी। इसको अच्छे से दूध के अंदर मीडियम फ्लेम पर आपने इसको डिजॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पर चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो गई थी, और डिजॉल्व होने के बाद अब जाएगा इसके अंदर कस्टर्ड। तो कस्टर्ड मैंने यहाँ पर लिया था 4 टेबल स्पून, जिसको मैंने पानी के अंदर अच्छे से घोल लिया था। और ये आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने, और स्लो फ्लेम पर आपने इसको डालना है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए और कंसिस्टेंसी आपको सही मालूम हो। स्टार्टिंग में आपने कस्टर्ड कम ही डालना है, बाद में आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो देखिए अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूंगी। मुझे थोड़ी लिक्विडी लग रही थी तो बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड और शामिल कर रहा था, लेकिन टोटल 4 टेबल स्पून इसके अंदर कस्टर्ड गया था। पहले मैंने 3 डाला था, बाद में मुझे कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी लिक्विडी लगी थी तो बाद में 1 टेबल स्पून मैंने पानी डिसॉल्व करके दोबारा से डाल दिया था। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल से सही आ गई है। तो आप सब देख सकते हैं ऐसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कस्टर्ड की। अब मैं कर लूंगी इसको ठंडा और चूल्हे से उतार दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब एक अलग से बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑलपर्स की डेयरी क्रीम ले ली है, 2 पैकेट मैंने लिए हैं। और देखिएगा 2 पैकेट के अंदर ये कितना सारा लबिश्री बनकर रेडी होगा। जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएगा। और अपने फीडबैक मुझे लास्ट में दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दूसरे पैकेट भी मैंने डाल दिया, और ये बिल्कुल ठंडी क्रीम थी, मैंने इसको रख दिया फ्रीजर में बनाने से 1 घंटे या आधे घंटे पहले मैंने रख दिया था। ये बिल्कुल ठंडी जमी नहीं है लेकिन ठंडी है, इसको अच्छे से बीट करना है हैंड मिक्स की मदद से। तो देखें ये अच्छे से हो गई है बीट, और ये व्हिपिंग क्रीम नहीं थी, ये इसके अंदर पीक्स बनते हैं, नॉर्मल डेयरी क्रीम थी ये। अब जो हमने कस्टर्ड ठंडा करा था, एक यहाँ पर मैंने छन्नी ले लिया, और छन्नी से इसको छानना है अच्छे से कि इसके अंदर कोई भी लम्स हो तो वो ऊपर रह जाए, कस्टर्ड के अंदर ना जाए। तो देखें ये मैंने सारा डाल दिया और इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। तो ऊपर जो पार्टिकल्स नजर आएंगे वो आपने डिस्कार्ड करने हैं, इसके अंदर वापस नहीं डालने हैं। तो देख सकते हैं ये बचा था ऊपर और मैंने इसको बिल्कुल से डिस्कार्ड कर दिया था। तो कस्टर्ड यहाँ पर मैंने छान लिया है, यहाँ पर कस्टर्ड बिल्कुल से रेडी है, ठंडा हो गया था। अब जाएगी इसके अंदर क्रीम, जो मैंने 2 पैकेट लिए थे उसको बीट कर लिया था, और ये क्रीम को मैंने बीट करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। बाहर नहीं छोड़ना हमने इसको, फौरन से बीट करके फ्रिज में रख देना है ताकि ये बिल्कुल से ठंडी हो जाए। तो ये मैंने सारी क्रीम डाल दी है कस्टर्ड के अंदर, अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ये एक स्मूथ और क्रीमी सा बैटर बनकर रेडी हो जाए। तो देखें ये बिल्कुल से रेडी हो गया, इसको रख देंगे हम फ्रिज में। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी, पानी यहाँ पर बॉइल हो गया था। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कलरफुल सिवैयां, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। और देखें ये मैंने बॉइल कर लिया, अब मैं इसको कर लूंगी ड्रेन। तो देखें ये मैंने ड्रेन कर ली थी और ये इस फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ पर मैंने जेलीज ले ली थी 3 डिफरेंट कलर की। अगर आपके पास 3 डिफरेंट कलर नहीं है, एक ही कलर है, तो आप एक ही कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको जेली बनानी आती हो, टाइम ज़्यादा ना हो, इस वजह से मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी। तो यहाँ पर मैंने सिवई ले ली है जो बॉइल कर ली थी, आपके सामने मैंगो जेली है और इसको भी मैंने फ्रीज कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए जिसके अंदर सेब, केले, अंगूर और पाइनएप्पल थे। आप अपने फेवरेट फ्रूट्स भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग से सर्विंग के लिए बाउल ले लिया जिसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी जो कस्टर्ड और क्रीम को मिलाकर मैंने बनाया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया सिवैयां, ये आपको थोड़ी सी अभी चिपकी हुई लग रही है लेकिन देखिएगा जब मैं इसके अंदर डाल दूंगी तो ये कितनी अलग अलग हो जाएगी। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से हिलाना है, देख रही है अलग अलग हो गई बिल्कुल सिंपल, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। तो देखिए ये डाल दिए मैंने सारी, उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर फ्रूट। यहाँ पर मैंने सेब ले लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया था, सारा नहीं डालना है हमने इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने केले ले लिए थे, और केले लेने के बाद यहाँ पर मैंने अंगूर डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग फ्रूट का इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो उसके अंदर कॉकटेल भी डाल सकते हैं लेकिन वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है क्योंकि सब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये अलग अलग फ्रूट भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल्स ले ली थी, पाइनएप्पल के चंक्स वो डाल दिए मैंने। अगर आपके पास पाइनएप्पल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डालिए, वेल एंड गुड, नहीं तो स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाना फ्लेवर की जेली ले ली थी, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसको मिक्स करा है। अच्छा ख्याल रहे कि अगर आपने इसको फौरन से सर्व करना है क्योंकि ये बिल्कुल चिल है, तो आपने इसके अंदर रेड जेली डालनी है क्योंकि रेड जेली जो है कलर छोड़ देती है और उसका कलर निकालता है, तो ये पूरी जो है रेड हो जाएगा। और अगर आपने बाद में सर्व करना है तो आप रेड जेली को बिल्कुल एंड में डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने रेड और मैंगो डाल दी थी क्योंकि मैंने आपको दिखाना होता है और मुझे सर्व भी करना था, तो ये मैंने डाल दिया था। यहाँ पर लबिश्री बनकर बिल्कुल से रेडी हो गया है, और ये 2 पैकेट में देखें कितना सारा बना था, वो तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक अलग से बाउल में करा था और ये एक्स्ट्रा बना था उसी 2 पैकेट में। बहुत डिलीशियस लबिश्री की रेसिपी है, जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो अभी मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप कोई चाहते हैं कि रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आकर बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाकर ट्राई करूंगी। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक